देखो यार, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप 2024 में आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है। आपके पास एक फ़ोन है, आपने अपने फ़ोन से डिसाइड कर लिया कि मुझे एक फ़ोन की मदद से यूट्यूबर बन के दिखाना है। 2024 में मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना है और 2024 में मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट करना है। अगर ये आपने सोचा है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है, आपके पास अच्छी लाइट नहीं है, आपके पास सेटअप नहीं है, ठीक है, आपके पास माइक नहीं है, आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है कि वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, तो बस आज इस परफेक्ट वीडियो में आए हो। क्योंकि आज मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने कभी भी ना कभी एडिटिंग करी है, ना कभी आपने फ़ोन से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी है, ना अभी का आपने ऐसा करके आपने कभी वीडियो बनाया, फिर भी आज मैं जो तरीका आपको बताऊँगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 2024 में बिल्कुल नए हो, यूट्यूब पर आप आना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, तो बस मेरी चीज़ों को ध्यान से समझना। क्योंकि मैं देखो गांव से बिलोंग करता हूं, आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं, पीछे सारा कुछ दिख रहा है, वरना मैं तो पर्दे में शूट करता हूं और अपना बैकग्राउंड पीछे यूज करता हूं। आपने मेरी कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कि देखने में प्रोफेशनल लगती हैं, लेकिन मैं गाँव से बिलोंग करता हूं, तो मैं आज जितना अच्छे से बता सकता हूं आपको कि कैसे एक यूट्यूब की शुरुआत करी जाती है सिर्फ एक फ़ोन से। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास फ़ोन के अलावा कुछ नहीं था और मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, आज लाखों में सब्सक्राइबर है, दो दो चैनल है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं और लगभग यूट्यूब से रिलेटेड मैंने सारा कुछ ले भी लिया है, जो भी गैजेट लगते हैं। तो जितना अच्छे से मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे सिर्फ एक फोन की मदद से आप स्टार्ट कर सकते हो, वो शायद आपको कोई बता पाए। और साथ ही साथ मैं मनोज भाई का भी एग्जांपल दूंगा कैसे उन्होंने स्टार्ट करा था। तो देखो, सबसे पहली जो बात आती है कि 2024 आ गया, आपने डिसाइड कर लिया मुझे यूट्यूबर बनना है, लेकिन कुछ लोग यहां पर आकर के फंस जाते हैं कि भैया हम शूट कैसे कर ले, शूट कैसे करेंगे, शूट कहां करेंगे, है ना, मेरे पास तो एक अच्छा रूम नहीं है, मेरे पास तो सेटअप रूम है ही नहीं, मैं कैसे वीडियो शूट करूंगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पर आकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है, वो सिर्फ सोच ही पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, और जिनके पास सेटअप है, जिनके पास रूम है, कोई अच्छा सा घर है, उनके लिए भी खास होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनके पास सेटअप रूम नहीं है, एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो बैठ करके अपना वीडियो शूट कर पाए। मैं आपके लिए भी बताऊंगा, जिनके पास रूम है वो भी आगे ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत कुछ आज कुछ पॉइंट है जो ज़रूरी पॉइंट है, जो एक स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा वीडियो स्टार्टिंग से ही बना सकते हो, आप गलती नहीं करोगे। तो पहले लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिनके पास सेटअप नहीं होता, अच्छा रूम नहीं होता, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैंने खुद ये चीज़ें करी हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला, अगर आपके पास रूम नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आउटडोर में जा करके शूट कर लो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करा है, आउटडोर देखो सबसे बेस्ट होता है ना, अगर शोर शराबा वहाँ पर नहीं है, कोई बगीचा वगैरह, बढ़िया जा करके आराम से शूट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको इनडोर ही शूट करना है और आपके पास एक अच्छा रूम नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, कोई पीछे दीवार नहीं है, तो भैया आपको सिंपल से एक पर्दा ले लेना है, ग्रीन कलर का ले लो, ब्लू कलर का ले लो, और पर्दे में बैठ करके आप वीडियो शूट कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद स्टार्टिंग में किया, मेरे पास सेटअप वगैरह नहीं था, तो मैं भी एक पर्दा बांध करके ही, ठीक है, और जहाँ पर थोड़ा सा लाइट भी नहीं थी, तो जहाँ पर थोड़ा प्रकाश आता था वहाँ पर मैं पर्दा बांध करके ही वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने मेरी इस स्टोरी को जानते भी होंगे कैसे मैंने शुरुआत करा था यूट्यूब की। मनोज भाई का अगर आप देख लो तो मनोज भाई के पास भी कोई अच्छा सेटअप नहीं था, आज भले ही वो कार में चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसने भी सीढ़ियों में बैठ करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। अगर वो भी सोचता कि भैया जब मेरे पास एक अच्छा रूम होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, जो था उससे इसने स्टार्ट कर दिया था, सीढ़ी में बैठ करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही मैंने किया, ऐसे ही बहुत सारे गांव के लोग जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं वो ऐसे ही शुरुआत करते हैं और बाद में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आउटडोर में चले जाओ, या तो भैया एक सिंपल सा पर्दा लगा लो और पर्दे में अपना वीडियो शूट कर सकते हो, बाद में चाहो तो पर्दा हटा भी सकते हो, जैसे मैं हटाता हूँ। तो अब देखो, आपके पास सेटअप हो गया, कहाँ पर वीडियो शूट करना वो लोकेशन फाइंड हो गई, जिनके पास रूम है उनको तो कन्फर्म है कि हमको रूम में अपना बनाना है। इसके बाद बात आती है कि ट्राईपोड भैया कैसे होगा, ठीक है, अपने फ़ोन को रखेंगे कैसे, मतलब कहाँ पे सेट करेंगे जिससे कि हम वीडियो शूट कर पाएँ। तो इसके लिए देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आप आउटडोर में शूट करते हो, जो लोगों को मैंने आउटडोर बताया, आउटडोर में शूट करते हो, तो भैया मेरे पास सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने फॉलो करा है। दो कील लेकर के मैं जाता हूँ, किसी भी पेड़ पे दोनों कील को लगा देता हूँ और उस कील के ऊपर अपना फ़ोन रख देता हूँ और सामने खड़े होकर के वीडियो शूट कर लेता हूँ। कितना? 0 रुपये का ट्राईपोड, सिर्फ दो कील लेना है, पेड़ पर लगा देना है और अपना ऐसे फ़ोन
रख करके वीडियो शूट कर लेना है, आउटडोर में आपका वीडियो शूट हो गया। अगर आपको इंडोर में करना है, आपके पास ट्राईपोड नहीं है, वैसे भी यार ज़्यादा महंगा नहीं आता, आप चाहो तो ले भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाखों कमाने आए हो यूट्यूब में, तो 100-200 खर्चा कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी नहीं स्टार्टिंग में लेना, तो सिंपल सा क्या है कि मेरी तरह आप भी फॉलो कर सकते हो। मैं सिंपल सा चेयर का यूज करता था, चेयर में कुछ इस तरीके से अपना फोन रख करके और सामने बैठ करके वीडियो शूट कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं, ना फोन हिलता था ना मेरा वीडियो हिलता था, क्योंकि वहां पर मैंने चेयर में अपना फोन रख दिया और आराम से अपना वीडियो शूट कर लिया। तो सिंपल तरीका ये हो गया, अब ट्राईपॉड की प्रॉब्लम खत्म। अब देखो बात आती है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें देखो क्या होता है कि आप या तो देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैंने बहुत सारी वीडियोज अपनी ईयरफोन से शूट करी थी, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा सा धीमी थी इसलिए मैं ईयरफोन का यूज करता था। तो आप भी चाहो तो ईयरफोन का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपकी आवाज़ थोड़ा सा तेज है तो आप विदाउट माइक वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि होता कितना यार, 2-4 वीता आगे ही आपका फोन होता है, इतना तो आवाज़ रिकॉर्ड ही हो जाती है। और अगर आपके आसपास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा ही रहती है, तो एक आप 100-150 का माइक भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने 120 रुपया का माइक लिया था, आज वो शायद 150 का माइक आता होगा, उससे भी बहुत अच्छी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। अगर ईयरफोन की क्या है ना कि उसका ईयरफोन का केबल थोड़ा सा छोटा होता है, तो अगर आप 100-150 का जितने का ईयरफोन आता है उतने का अगर आपने माइक ले लिया सिंपल वाला, तो वो आपके कॉलर में लग जाएगा, कॉलर माइक होता है, उससे आप बहुत ही अच्छी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी 120 रुपये के माइक से स्टार्ट किया था। तो ट्राईपॉड भी हो गया, आपका माइक भी हो गया, अब पूरा सेटअप तो एक प्रकार से रेडी हो गया। अब बात आती है आपका कुछ वीडियो चालू करके, रिकॉर्डर चालू करके अब कुछ बोलना है आपको, फेस कैम अगर आप बना रहे हो तो आप कुछ आपको कैमरे के सामने बोलना है, अपने फोन के सामने बोलना है, वीडियो में आपको कुछ रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट ध्यान से समझना कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आखिर फोन चालू करने से पहले, सेटअप में बैठने से पहले, पूरा सेटअप करने से पहले कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, क्या बोलना है, तो फिर आप कैमरा चालू कर लोगे तो क्या फ़ायदा है, वहीं पर थोड़ा सा बोलोगे फिर रुक जाओगे, थोड़ा सा बोलोगे फिर रुक जाओगे। इसलिए पहले ये आप डिसाइड कर लेना कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ना, क्या क्या चीज़ें मुझे बोलना है। तो जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आपके मन में सोच लोगे तो आपके मन में पूरा फीड होगा, आपको लगेगा यार मैं सारा कुछ फटाफट से बोल दूंगा। लेकिन ऐसा ये होता है, अब ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, नेचुरल है कि जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हो, जब पहली बार आप वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, तो पता नहीं अंदर से क्यों घबराहट होती है, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि जो आपके माइंड में था ना वो सारा कुछ भूल जाता है कि मुझे बोलना क्या है। अगर नहीं भूलेगा तो अगर आपने 10 चीज़ों के बारे में सोचा था कि मुझे 10 ये पॉइंट बोलना है, तो 10 में से आप 5 पॉइंट ही बोल पाओगे, 5 पॉइंट आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पर आपको नोट करके रखना है, और ये चीज़ मैं आज भी करता हूँ, जो जो पॉइंट मैं सोचता हूँ जब भी मैं टॉपिक सोचने के लिए बैठता हूँ, तो कॉपी पे लेकर के ही बैठता हूँ। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप अभी भी मेरे सामने कॉपी रखी है, जो चीज़ मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना वो यहाँ पर सारा कुछ लिखा है, पॉइंट आज भी लिखे हैं। इससे ये होता है कि मैं कुछ भी जो पॉइंट मैंने लिख रखा है वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बता पाऊँ। और बस मैं सिंपल से नोटबुक को अपने सामने रख लेता हूँ और आपको बताता जाता हूँ वहाँ से देख देख के कि क्या क्या टॉपिक पर मुझे बात करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं तो जो एक बार देख लेता हूँ, जो एक बार सोच लेता हूँ वो मुझे भूलता ही नहीं, तो अच्छी बात है, आप ऐसे नॉर्मल ही शूट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं भी जब शुरुआत मैंने करा था तो मैं भी माइंड में इतना ज़्यादा सोच लेता था कि मुझे लगता था मैं सारा का सारा बोल दूंगा जब वीडियो चालू होगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है, नेचुरल है ऐसा कि मुझे भूल जाता था। इसलिए मैं आज भी नोट करता हूँ, पहले भी नोट करता था, पहले थोड़ा ज़्यादा नोट करता था बारीकी से, आज मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेता हूँ, उतने में काम चल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब उसके अलावा यहाँ पर जो मेन चीज़ है, बहुत खास या बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं और कुछ लोग आज भी करते हैं, मैं बताता हूँ कि जब आप कैमरा ऐसे शूट करोगे, ऐसे फ़ोन रखोगे, आगे वाले से करो या फिर पीछे वाले से करो, हमेशा आप जब देखोगे सामने तो आप यहाँ पर स्क्रीन में कभी मत देखना, इस स्क्रीन में कभी आप मत देखना, यहाँ पर जो कैमरा होता है ना कोने में, इसमें देख करके आपको वीडियो शूट करना है। अगर आप पीछे वाले से कर रहे हो तो भी यहाँ पर आपको इन कैमरों में देख करके वीडियो शूट करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कैमरे में देख करके वीडियो शूट करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसको देख करके बात कर रहे हो, और आपको पता है कि अगर आपको अपनी बात किसी को समझाना है तो आई कॉन्टैक्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसे नीचे मुंडी आपने कर रखा है, सामने वाले को ऐसा समझा रहे हो यार मैंने आपको देखा था, तो सोच रहा था यार मैंने तो इसे कहीं देखा है, अब ऐसे बात उसे करो तो यार वो क्या सोचेगा,
क्या सोचेगा, आपकी बात उसको समझ में कुछ आएगी, नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको फेस टू फेस देख करके उसके साथ नज़रें मिला करके बात करोगे तो उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए हमेशा अपने स्क्रीन में देख करके बात ना करना, स्क्रीन में देख करके वीडियो मत शूट करना, कैमरे के लेंस में देखना। कैमरे के लेंस में ही आपकी पूरी ऑडियंस घुसी है, आपके पूरे सब्सक्राइबर घुसे हैं जो आपको देखने वाले हैं, तो उनको देखो ना, उनको समझाओ ना, स्क्रीन में क्या अपने आप को देख रहे हो। यार मुझे नहीं पता, मैं अभी भी एल्विस भाई के वीडियो देखता हूँ, एल्विस यादव जी के, उनके अब पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं या फिर क्या सिस्टम है। उनके अगर आप ब्लॉग वीडियो देखोगे ना, तो आज भी उनके ब्लॉग वीडियो में वो स्क्रीन में देख करके ही अपने ब्लॉग शूट करते हैं। पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं या उनको खुद का फेस देखना पसंद है, वो कैमरे में देख करके अपने ब्लॉग वीडियो नहीं बनाते हैं। और ये कहीं ना कहीं गलती ही होती है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो आपको लेंस में देखना चाहिए, कैमरे में देखना चाहिए। हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो पता नहीं आज भी स्क्रीन में देख करके ही अपना वीडियो शूट करते हैं। अब ये हो सकता है कि उनको अपना फेस देख करके बोलना अच्छा लगता हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना कि आपको कैमरे के लेंस में देखना, स्क्रीन में नहीं देखना। तो चलो आपने ये भी समझ लिया। आप देखो एक चीज़ और होती है कि जब आप देखो आपको अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी नए नए आए हो, नए नए आपको शूट करना है, स्टार्ट अभी आपने किया है, या फिर आपने कोई बड़े बड़े आप कहीं पर शो तो करते नहीं थे, स्टेज शो तो आपने किए नहीं है। तो जब आप कैमरा फर्स्ट टाइम ओपन करके चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, तो यार अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट होती है। और घबराहट की वजह से पता क्या होगा, घबराहट की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो नए नए यूट्यूबर्स आते हैं उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत लोगों की देखी है, लगभग मैं देखता ही रहता हूँ जो नए नए क्रिएटर आते हैं मेरे पास, कमेंट आते हैं तो मैं उनके चैनल पर जाकर के देखता हूं। तो एक गलती मुझे कॉमन मिली है कि अगर आप उनसे नॉर्मल बात करोगे तो यार बहुत अच्छा बात करते हैं आपसे, है ना, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत नॉर्मल ही बोलते हैं। लेकिन जब आप उनके वीडियो देखोगे तो या तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट से तेज़ी तेज़ी बोलने लगते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डर डर के बोलने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, अभी आपने शुरुआत किया है, तो थोड़ा सा घबराहट होती है। और घबराहट होने का रीज़न ये है क्योंकि आपको लगता है कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो यार बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे, इसकी वजह से घबराहट आ जाती है। और घबराहट में फिर देखो कुछ भी हो सकता है, या तो आप जल्दी जल्दी बकना शुरू कर दोगे, या फिर ज़्यादा डर डर के बोलोगे, नेचुरल आप नहीं बोल पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप शूट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आपके अलावा कोई है नहीं है, सिर्फ अभी आपका वीडियो शूट हो रहा है, उसको बाद में आप एडिट भी करोगे, है ना, जो आपको सुधार करना वो सुधार भी करोगे। तो आप डर क्यों रहे हो, अंदर से डरते क्यों हो, क्यों आप फटाफट से बोलते हो, क्यों आप डर डर के बोलते हो, जो है आप सामने बोलो। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये है, मैं थोड़ा सा ये ट्राई करता था, जब भी कैमरा मेरे सामने होता था या फ़ोन जब मेरे सामने होता था, तो मैं उसको कैमरा समझता ही नहीं था, फ़ोन समझता ही नहीं था, मुझे लगता था कि कोई मेरा खास दोस्त बैठा है और जिस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है मैं बस उसी को बताया जा रहा हूँ कि भाई तुझे ऐसे करना है, ये तुझे ऐसे करना है, यहाँ पर तुझे क्लिक करना है, तुझे ये करना है, तो तेरा ये हो जाएगा। ऐसे मतलब ऐसा आपको सोचना है कि वो आपका दोस्त है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आप अपने दोस्त से कोई चीज़ बताते हो तो कितना अच्छे से बोल पाते हो, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। और जब कैमरे में शूट करते हो तो घबराहट हो जाती है। तो कैमरे को आपको कैमरा नहीं समझना, फ़ोन को आपको फ़ोन नहीं समझना, अपना दोस्त समझ करके जो आपके दिल में हो, जो आपका टॉपिक हो, उसको सारा का सारा बता देना और आपका वीडियो शूट हो गया। तो देखो यही थी पूरी स्टोरी कि अगर आप एक स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई ऐसे ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो एडिटिंग वगैरह हो गई, ये अपलोड कैसे किया जाता, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अपलोड करना तो मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है, एडिटिंग कैसे करना वो भी आने वाले वीडियोज़ पर सिखा दूंगा, है ना, वीडियोज़ के लिए थंबनेल कैसे बनाया जाता वो भी आने वाले टाइम पर मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले वीडियोज़ पर। तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रहना, और कुछ भी आपको दिक्कत आती है, आपने यूट्यूब का स्टार्ट किया 2024 में, आपने डिसीजन लिया है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, कुछ भी आपको छोटी से छोटी या फिर बड़ी कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो बस छोटा सा आपको एक कॉमेंट कर देना है, क्योंकि मैं कॉमेंट सबका देखता हूँ, कॉमेंट सबका रिप्लाई करता हूँ। कुछ ज़्यादा बातचीत करना तो भैया इंस्टाग्राम पर आ जाना, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो बातचीत होती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय।